भाई यही मैं राघव को बोल रहा था जब वो चला रहा था कि जिप्सी बहुत जल्दी टोपल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। भाई राघव और मैं जा रहे हैं आज हम एक ओटीआर में, सीआरसीजे की ओटीआर है भाई। बहुत दिन हो गए ओटीआर किए हुए, मौसम भी ठीक है, मतलब अभी धूप निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी बट वैसे ठीक है। रात को बारिश हुई है, मॉनसून ड्राइव है एक तरह से। तो सबसे पहले भराएंगे तेल पिंक स्क्वायर में, बाकी टीम हमारे को हमारी मिलेगी, जाएंगे ताला गांव की तरफ जाएंगे, शायद दिल्ली रोड पे कहीं जाएंगे, देखते हैं, बने रहना आखिर तक। तो मज़ा आएगा आज, आपको एक अलग टाइप की चीज़ दिखाएंगे भाई। आपने कैंपिंग देखी है हमारी, वो सब चीज़ें देखी हैं, अभी चल रही है हमारी संस्कार सीरीज, तो उसके बाद अब आपको देखने को मिलेगी प्योर ऑफ रोडिंग। टाइम था भाई 6:30 बजे का, है ना, 7:30 बज गए ऑलरेडी। थोड़ा सा इशू है सीआरसीजे में टाइमिंग को लेकर, एक आध घंटा वो आराम से भाईचारा निभाते हैं, वेट करते हैं। तो अपन वेट कर रहे हैं पिंक स्क्वायर पे उन लोगों का। पिंक स्क्वायर पे अपन ने तेल वेल भरा के सेट कर लिया गाड़ी एकदम तनाटन, और अब उनका आने का वेट कर रहे हैं। वो लोग आएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। कांवड़ चल रही है भाई, कांवड़ ये जा रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है। हमारे सीआरसीजे के बंदे आ गए थे, देखो सामने एक पुरानी जीप और बाकी गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं, पीछे शीशे में कुछ दिखाई दे रही होंगी आपको। बीपी भाई हमारे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है भाई। संडे को ना सब निकल जाते हैं, देखो इधर बाइकर्स देखो, थोड़ी लंबी चौड़ी लाइन है इन बाइकर्स की, फैमिली वैमिली छोटे छोटे बच्चों को लेके भी निकले हुए हैं। तो संडे को सब लोग निकल जाते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने। और हमारे लेफ्ट साइड से निकल रहे हैं रजा भाई, नहीं सलीम भाई, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही थी अभी पीछे इनकी। भाई ने अंदर ले लिया भाई गाड़ी हमने, और कमाल संभाल लिया राघव ने, आज राघव करेगा ऑफर। तो लद्दाख और जंस्कार की उस पर जो ऑफ रोड पे परेशान होते हैं भाई, हम लोग तो जानबूझ के देखो ऑफ रोड ढूंढते हैं। तो राघव आज अपना हाथ जमा रहा है ऑफ रोडिंग में, थोड़ा आराम से चलिए भाई गैप लगा के, है ना। तो ये पहुंच गए हम लोग बिल्कुल ही ऑफ रोड पे भाई। भाई एक तो गाने सुनने राघव, आराम से भाई आराम से, बिना गाने सुने कावड़ियों का माहौल नहीं बनता, एक राघव का नहीं बनता। ये भाई को जो है ना, जहां मौका मिल रहा है वहीं ऑफ रोड कर रहे हैं भाई। अभी हमारे को लोकेशन नहीं मिल पा रही है, कहां जाना है हमें, मिल गई है थोड़ी बहुत तो लोकेशन। धीरे धीरे क्या होगा भाई, गांव वाले और जो लोकल है ना वो मना कर दिया करेंगे कि नहीं नहीं भाई भागो यहाँ से, भागो, कोई ऑफ रोडिंग नहीं करने देंगे। भाई साहब भाई को तो मौका मिलते ही फुल ड्रिफ्टिंग में लगा हुआ है, और ये हमारी पुरानी जीप है देखो, एक गया बंदा इस तरफ, एक गया इस तरफ, तीसरी खड़ी है इधर, तो तीन ट्रैक हैं अलग अलग। राघव सोच रहा है मैं कहाँ जाऊँ। तो फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं शिवराज बना, बना इधर से जा रहे हो ना, इधर से, अच्छा रूट चेंज, ये ऊपर रास्ता है नहीं इधर, अच्छा है ही नहीं, चलो तो यहाँ तक तो चढ़ा कर आओ। रुक जा मैं भी चढ़ा के तो देखूंगा ना। हाँ प्रोग्राम कैंसिल हो गया सर, ले रहे हैं, अच्छा मौसम बनाएंगे। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट पुराने वाली थार थार सी सी आर डी का, नहीं पहुंची, आधे रास्ते से वापस आ गई। सेकंड अटैम्प्ट पहुंचा दी भाई, पूरी पहुंचा दी बिल्कुल ऊपर तक, लेकिन फंस ना गई हो। एक यार रिवर्स में आ रही थी ना तो ये स्लिप होती हुई इधर आ गई, तार बंदी हो रखी है। अच्छा ऐसे घुमा के ले लो, नहीं नहीं घूमते ये टायर नीचे आ जाएगा, नहीं ऐसे लेंगे ना, या तो आगे ले लो, आगे तो नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी तो पीछे, नहीं नहीं पीछे तो जाएगी तो इधर पलट जाएगी एकदम, जाते ही जाएगी तो फिर पूरा पलट के एकदम धीरे 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 ऐसे उठा सकते हो।
रेस्क्यू व्हीकल हमारा गया ऊपर, बिल्कुल हमारे बंदों को छूता हुआ हल्का सा टक देसी मौत को छू के और बच गए हैं। ऐसे उतरो ऐसे। यार ऐसे नहीं उतर पाएगी, तो कैसे जाएगी? नहीं उतर, ये थोड़ी थोड़ी आगे ही लेनी पड़ेगी, धीरे 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 आगे ही लेनी पड़ेगी, यहाँ तो आते ही पलटेगी। ये तो आगे तो नहीं जाएगी, उससे रुकी पड़ी है, वो हो गया फ्री, वो तो क्या भाई, दोनों थोड़ी थोड़ी जान लगाओ, बाकी इधर से अगर 10 आदमी एक गाड़ी अगर पीछे भी लग जाए ना, दोनों तरफ से सपोर्ट हो जाए, पलटने नहीं देगी। मेरे पास तो एक ही थी। अरे टोरो पे क्या एक और, तो भाई ये गाड़ी भी रिवर्स आ रही है, अब ये कहीं इधर ना आ जाए। हाँ ये आ रही है सही, आकाश भाई की फिजिक्स आज काम आने वाली है जो पढ़ाई करी इन्होंने। और भाई जो लोग हमारे लद्दाख टूर में कह रहे थे ना ऑफ रोडिंग और ये परेशानी वरेशानी, तो हम लोगों को देखो, हम तो ज़बरदस्ती की परेशानी मोल ले रखी है, ये मतलब घर से चला कर आए हैं ताकि ये सारा जो है ना नाटकबाजी ये हो सके। तो शिवराज बना को क्या कंटेंट चाहिए, यू नहीं गाड़ी संभाल लो, टायर जाएगी। वो भी अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोले गाड़ी की तो देखी जाएगी, सीट बेल्ट बांध लियो, बाइक का हेलमेट भी है, बटन दबा, चलो धीरे नहीं दबा दो, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे भाई, अभी तो ले लो ना टायर, इधर ले लो, नहीं नहीं सही है सही है सही है, जाने दो ऐसे धीरे धीरे, अब तो निकल गई, सही है, खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, हां खड़े रहो खड़े रहो, और जाओ और जाओ, अब तो हो गई हो गई हो गई, अब तो हो गई, पीछे से ले लो, सीधी करो गाड़ी को, अब गाड़ी सीधी करो, सीधी करो थोड़ी, हाँ सीधी करो, हाँ ऐसे, हाँ ज्यादा मत काटो, गई गई गई, अब तो गई, वेरी गुड। तो भाई अपनी गाड़ी भी स्टक हो गई है, आज क्या मैं क्रॉक्स पहन कर आया था इस चक्कर में कि बारिश आएगी तो जूते ख़राब होंगे, साली बारिश आई नहीं, ह्यूमिड हो रखा ज़बरदस्त। तो अभी उतार रहे हैं शिवराज बना, सामने से लगाएंगे टोचन भाई, तो शिवराज बना ला रहे हैं यहाँ से ताकि हमारी गाड़ी को टोचन कर सकें। ये देखो एकदम स्टीप भाई साहब, कम से कम 60 डिग्री, मतलब 50 से 60 डिग्री का स्लोप है, देखो कहाँ से उतारते हैं। अच्छा यहाँ से उतारेंगे, लेकिन अब यहाँ से रिवर्स लानी पड़ेगी भाई, क्लच की आ गई है स्मेल जिप्सी में से, खैर ये तो प्रॉब्लम आई, जो गाड़ी रेस्क्यू के लिए आई थी, ये थार आई थी रेस्क्यू के लिए, ये भी खुद फंस गई, इसको रेस्क्यू करने के लिए एक गाड़ी और बुलानी पड़ेगी, अल्टीमेटली देखते हैं ये सारी गाड़ियाँ निकलेंगी कैसे। वाह भाई वाह, तो गाड़ियाँ मचकाने के बाद भाई अब शुरू हो गया हमारा मैगी का सेशन, मैगी चढ़ा दी हमने, देखते हैं जितनी लाए हैं सब बना बनो के मिल बांट के खा लेंगे भाई, बहुत ज़्यादा तो अपन लाए नहीं, जितनी है उतनी से काम चलाएंगे। तो भाई खेल हो गया शुरू, अब आए हैं छोरे फॉर्म में, जिप्सी तो भाई आधी जा चुकी है, तो
उनको परेशान करते हैं। तो भाई यही मैं राघव को बोल रहा था जब वो चला रहा था कि जिप्सी बहुत जल्दी टोपल हो जाती है। ये जो टायर है ना, हाँ तो ये देखो ये हो गई जिप्सी टोपल। अच्छा ये यहाँ से क्रॉस करेगा ना, इस कट से ट्रक आ रहा है उल्टा और कुकस आ गया भाई। भाई मजा आ गया, मतलब पूर्ण ऐसा क्या धूप रही उस वजह से दिक्कत रही, अगर धूप नहीं होती और बारिश आ जाती तो और ज़्यादा मजा आता ठीक, बट ठीक था। और एक जिप्सी पलट गई, डायलॉग को समझा रहा था ना कि जिप्सी पलट जाती है, हालांकि पलट कोई भी गाड़ी जाती है बट जिप्सी थोड़ा इजीली टॉपल हो जाती है क्योंकि जिप्सी में क्या वेट कम है। ठीक है ऐसे सीखते हैं भाई, किसी को चोट नहीं लगी सबसे बढ़िया ये रहा कि किसी को भी चोट नहीं लगी, उनकी गाड़ी भी ओके है, आराम से चलाते हुए आ रहे हैं और बाकी भाई लोग भी इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। मतलब अब हो गया मौसम थोड़ा सा ठीक है, देखो सामने मतलब धूप चली गई है, थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, घर पहुंचेंगे वापस से नहाएंगे धोएंगे, हालांकि सुबह नहा धो के निकले थे लेकिन दोबारा से नहाएंगे धोएंगे। भाई इस होटल को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देखो ताज, इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं कि ये होटल टूटेगा, ऐसे कैसे टूटेगा भाई, 5-star प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए लग चुके हैं, अब कैसे टूटेगा पता नहीं। तो हमारा एक साथी भाई आगे वाली जिप्सी में जा रहा है, वो सो चुका है, देखो बहुत ही गहरी नींद में सो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम मैं कर नहीं सकता क्योंकि GoPro में जूम नहीं होता है। बाकी जो को पायलट है वो भाई सो चुका है, देखो भाई उठ गया, भाई सो रहा था उठ गया, भाई उठ गया नहीं, भाई उठ गया, गुड मॉर्निंग भाई, सोया हुआ था भाई, हम यही देखते हुए आ रहे थे कि भाई सो चुका है। शेर